नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से थ्रोन एजुकेशन में, कंप्यूटर क्लास में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, हस्त पुष्ट होंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक कंप्यूटर क्लास में। अभी तक जैसा हमने पढ़ा, जो टॉपिक कवर किए, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, डेवलपमेंट्स, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, तो ये सब चीज़ें हमने अभी तक कवर की हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा एज पर सिलेबस आता है वो है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो नेक्स्ट टॉपिक है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर क्या होती हैं? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जैसे कि हम कंप्यूटर का अगर बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें यहाँ पे पांच चीज़ें हमें दिख रही हैं। ठीक है, एक कंप्यूटर का जो पूरा सिस्टम होता है उसके अंदर क्या क्या है? इनपुट डिवाइसेस हैं, सीपीयू है आपका, ठीक है, मेमोरी है और आउटपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे अभी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। ठीक है, जो हमारा करंट का आज का टॉपिक है, इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। ठीक है, जैसा कि स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं, ने पहले भी डिस्क्राइब किया था कि कंप्यूटर काम कैसे करता है, कि यूज़र कोई भी है कंप्यूटर को यूज़ करने वाला, क्या करेगा? कंप्यूटर में कुछ इनपुट डेटा देगा, ठीक है, कुछ निर्देश देगा, और डेटा जो होगा, इनपुट में दिया हुआ डेटा, वो कंप्यूटर में प्रोसेस होगा, और आफ्टर दैट प्रोसेस्ड डेटा जो है वो यूज़र को आउटपुट यूनिट्स के माध्यम से मिलेगा। यानी कि इनपुट यूनिट के थ्रू यूज़र क्या करेगा? इनपुट डेटा प्रोवाइड करेगा, किसमें? आपके प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर में। ठीक है, आफ्टर दैट प्रोसेस्ड डेटा जो है आपका आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से यूज़र को वापस मिलेगा एज एन आउटपुट। ठीक है, तो इनपुट डिवाइसेस, वो डिवाइस, वो युक्तियाँ जो कंप्यूटर में इनपुट डेटा, ठीक है, इनपुट डेटा इंसर्ट करने के लिए, प्रदान करने के लिए, देने के लिए यूज़ की जाती हैं, उन डिवाइसों को इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं, इनपुट युक्तियाँ बोलते हैं। साथ में ये जो डिवाइसेस होती हैं, इनका क्या काम होता है कि इनपुट डेटा जो हमने दिया वो किसी ना किसी फॉर्म में हमने दिया एज पर आवर रिक्वायरमेंट, और जो है एज पर यूज़र किसी भी फॉर्म में वो इनपुट देगा, करेक्टर की फॉर्म में दिया, नंबर्स की फॉर्म में दिया, ठीक है, और कुछ इमेज की फॉर्म में दिया। ठीक है, तो अलग अलग जो है इनपुट डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं इनपुट डेटा देने में। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस क्या करती हैं? सपोज करो हमने कीबोर्ड का यूज़ किया इनपुट देने के लिए, तो कीबोर्ड में डेटा जाएगा करेक्टर्स की फॉर्म में, अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में। ठीक है, तो कुछ ना कुछ हम यहाँ पे टाइप करके देंगे, बट कंप्यूटर डायरेक्टली ये चीज़ें नहीं समझेगा यहाँ पे। ठीक है, डेटा को प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर को क्या चाहिए? मशीन लैंग्वेज में डेटा चाहिए, डिजिटल फॉर्म में डेटा चाहिए। ठीक है, तो ये जो डिवाइसेज होती हैं ये क्या करती हैं कि जो भी हम इनपुट में डेटा देते हैं, ठीक है, उन डेटा को, ठीक है, इनके माध्यम से हमने डेटा तो यहाँ पे टाइप कर दिया कीबोर्ड का यूज़ करके, ठीक है, बट ये डिवाइस क्या करेगी? उस डेटा को अपने कंट्रोलर से क्या करेगी? चेंज करेगी, किस में? मशीनी भाषा में, डिजिटल लैंग्वेज में, और कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए जो डेटा अंदर जाएगा वो क्या जाएगा? डिजिटल फॉर्म में। ठीक है, तो इनपुट डिवाइसेस के दो काम हो गए। फर्स्ट, इनपुट हमने उसके माध्यम से दिया, तो इनपुट डिवाइस ने क्या किया? उस डेटा को जो है कन्वर्ट करके दिया किसको? सीपीयू को, प्रोसेस करने के लिए। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर को जो है प्रोसेस करने के लिए जो लैंग्वेज चाहिए वो कौन सी चाहिए? 0-1 की फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में, या हम कहें कि मशीनी लैंग्वेज में उसको डेटा चाहिए। तो ये चीज़ क्या है? उस डेटा को पहले मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगी, फिर आफ्टर दैट ये डेटा यहाँ जाएगा, यहाँ पे आपका प्रोसेस होगा,
और डेटा प्रोसेस होने के बाद कहाँ आएगा, आउटपुट में आएगा, जिस भी डिवाइस के थ्रू हमें आउटपुट चाहिए, जिस फॉर्म में हमें आउटपुट चाहिए, तो उस फॉर्म में हमें यहाँ पे डेटा मिलेगा। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस का फंक्शन समझ आया कि इनपुट डिवाइस से हमने कोई भी डेटा इनपुट दिया, इनपुट डेटा जो है डिवाइस कन्वर्ट करेगी मशीन लैंग्वेज में, यहाँ पे सीपीयू में जाएगा, डेटा प्रोसेस होगा। ठीक है, तो ये दो काम हो गए किसके, इनपुट डिवाइसेस के। ठीक है, ऐसे ही जैसे यहाँ पे क्या गया, यहाँ पे उस डेटा को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके दिया प्रोसेसिंग के लिए, ऐसे ही सेम चीज यहाँ पे होगी, जब प्रोसेस्ड डेटा यहाँ पे आएगा, प्रोसेस्ड डेटा या फिर कहें हम कि आउटपुट डेटा, इसके माध्यम से यहाँ आउटपुट यूनिट तक आएगा, तो वो आएगा आपका डिजिटल फॉर्म में। ठीक है, और डिजिटल फॉर्म में हमें जो डेटा आउटपुट यूनिट पे आया, ठीक है, तो वो आउटपुट यूनिट क्या करेगी, उस डेटा को कन्वर्ट करेगी जिस फॉर्म में यूज़र डेटा चाहता है, प्रिंटर में के थ्रू चाहता है, हार्ड कॉपी उसको चाहिए, प्रिंट करके चाहिए, इस फॉर्म में देगा। डिस्प्ले करना है तो हम मॉनिटर का यूज़ करेंगे, ठीक है, स्पीकर का यूज़ करेंगे, अगर हमें वॉइस में आउटपुट डेटा चाहिए। तो इस तरह की जो है आउटपुट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की आउटपुट डिवाइसेज होती हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इनपुट डिवाइसेज होती हैं, उन्हीं के बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला जो आता है इनपुट डिवाइसेज। ठीक है, तो फर्स्ट जो है हमारा टॉपिक क्या है, इनपुट डिवाइसेज। इनपुट डिवाइसेज ठीक है, क्या होती हैं, कितने टाइप्स की, कौन कौन सी होती हैं, ये चीज़ हम डिटेल में एक बार देखते हैं। तो दोस्तों इनपुट डिवाइसेज के बारे में हमने देखा, इनपुट जो है यूज़र उसका यूज़ करके इनपुट डेटा देगा, और इनपुट डिवाइस क्या करेगी, उस डेटा को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके सीपीयू तक लेके जाएगी। ठीक है, सीपीयू फिर उसको प्रोसेस करेगा। तो इनपुट डेटा का ये काम हुआ। क्या डेफिनेशन की हम बात करें तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इनपुट डिवाइसेज विच इज यूज्ड बाय यूजर टू प्रोवाइड द डेटा टू कंप्यूटर एंड आफ्टर दैट दिस डेटा विल बी कन्वर्टेड इनटू द मशीन लैंग्वेज एंड सेंड इट टू द सीपीयू। ठीक है, तो क्या होगा, इनपुट डिवाइसेज आर दोज, इनपुट डिवाइसेज आर दोज विच इज यूज्ड बाय एनी यूजर टू प्रोवाइड द इनपुट डेटा, इनपुट डेटा और जब हम कहें कि कोई निर्देश, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, वो सब चीज़ें क्या है, इनपुट डेटा। तो इनपुट डेटा प्रोवाइड कराने के लिए यूज़ होती हैं। एंड दूसरा काम हमने क्या बताया इनका, कि ये उस डेटा को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देती हैं। ठीक है, यानी क्या करेंगी, इनपुट डिवाइसेस After taking input data, input data by user, user से input data लेने के बाद क्या करेगी, convert to the machine language. मशीन लैंग्वेज एंड सेंड एंड इट विल सेंड इट टू द सीपीयू, किस चीज़ के लिए, प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, कन्वर्ट होने के बाद ही डेटा आपका प्रोसेस होगा सीपीयू के अंदर। ठीक है, तो डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछता है तो इनपुट डिवाइसेज क्या है, Which devices are used to provide the input data to the computer are called
इनपुट डिवाइसेस। और दूसरा काम क्या है इनपुट डिवाइसेस का, इनपुट डिवाइसेस आफ्टर टेकिंग द इनपुट फ्रॉम यूजर कन्वर्ट इट इनटू मशीन लैंग्वेज एंड इट विल सेंड दिस कन्वर्टेड डेटा टू द सीपीयू। और किस में, किस चीज़ में कन्वर्ट करेगा, मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये है आपकी डेफिनेशन इनपुट डिवाइसेस की। अब हम बात करें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो हैं इनपुट डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, जिनका यूज़ करने का तरीका अलग होता है। डेटा जो है इनपुट लेने की फॉर्म जो है डेटा की वो अलग अलग रहती है, ठीक है। तो उनके बारे में हम बात करते हैं। ये आपकी डेफिनेशन हो गई इनपुट डिवाइसेस की। नेक्स्ट जो है कि किस तरीके के जो हैं इनपुट डिवाइसेस होती हैं, तो यहाँ पे कुछ टाइप्स हैं हमारे पास एज पर सिलेबस। सिलेबस में जो जो इनपुट डिवाइसेस हैं उनके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहला आता है आपका कीबोर्ड, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ भी होता है, ठीक है। तो कीबोर्ड के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कीबोर्ड्स होते हैं। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितने कीज़ होते हैं, क्या फंक्शन होते हैं, तो वो सब चीज़ें देखेंगे और टाइप्स कौन कौन से हैं वो चीज़ देखेंगे। सेकंड है आपका माउस, और माउस किस में आता है आपका, पॉइंटिंग डिवाइसेस। पॉइंटिंग डिवाइस की हम बात करें तो पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी होती हैं आपकी, पॉइंटिंग डिवाइस होती हैं जो कर्सर का हम जैसे यूज़ करते हैं। जैसे हम यहाँ पे कोई भी फाइल अपने को ओपन करनी है तो माउस से हम कर्सर उस फाइल पे लेके जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे ओपन हो जाएगी। कुछ क्लोज करना है, कर्सर यहाँ लेके जाएंगे क्लोज कर देंगे, ठीक है। यानी कि कर्सर का यूज़ करके जो है हम अपना काम कराएंगे, है ना। तो पॉइंटिंग डिवाइसेज इस तरीके की होती हैं, जैसे माउस, आपकी ट्रैक बॉल, ठीक है, लाइट पेन हो गया। तो ये सब क्या हैं दोस्तों, ये सब हैं आपकी पॉइंटिंग डिवाइसेस। पॉइंटिंग डिवाइस के अंदर आते हैं माउस, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, ये सब पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं। कीबोर्ड और माउस, एक हमने जब स्टार्ट किया था आपका कंप्यूटर के टाइप्स हम पढ़ रहे थे तो डिस्कस किया था फोर्थ जनरेशन के टाइम पे क्या GUI और CUI, ठीक है, ये दो चीज़ें हमने देखी थी। क्या GUI और CUI क्या होता है ये दोस्तों? GUI और CUI क्या है? यूज़र इंटरफेस। यानी कि मतलब क्या है यूज़र इंटरफेस का, कि यूज़र किस तरीके से कंप्यूटर से इंटरफेस करता है, ठीक है, कि कंप्यूटर से इंटरफेस करने का तरीका कैसे है, किस तरीके से कनेक्ट होता है कोई भी आदमी कंप्यूटर से। तो वो दो अलग अलग जो है चीज़ें हैं CUI और GUI, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस और करेक्टर यूज़र इंटरफेस। तो CUI आपका क्या होता है, इट स्टैंड फॉर करेक्टर यूज़र इंटरफेस, ठीक है। CUI हो गया आपका करेक्टर यूज़र इंटरफेस, और GUI आपका हो गया ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। दोनों में डिफरेंस क्या है ये हमने बताया था उस टाइम भी, इम्पोर्टेंट है कि GUI की हम बात करें तो फोर्थ जनरेशन की शुरुआत में जो है GUI हमारा पूरी तरीके से यूज़ में आने लग गया था। उससे पहले हम बात करें तो जो इनपुट दिया जाता था वो CUI मेथड से दिया जाता था, यानी कि करेक्टर यूज़र इंटरफेस वहाँ पे काम में आता था। और करेक्टर यूज़र इंटरफेस आपको पता है कि करेक्टर यूज़र इंटरफेस कहाँ पे होता है, यानी कि करेक्टर्स, अल्फ़ाबेट्स, न्यूमेरिकल नंबर्स से जो है डायरेक्ट इनपुट कमांड के थ्रू इनपुट दिया जाता है, तो वो आपका होता है क्या CUI, यानी कि कीबोर्ड वाला जो सिस्टम है आपका वो किस में आता है, CUI में, करेक्टर यूज़र इंटरफेस में, ठीक है। पॉइंटिंग डिवाइसेस जो हैं उनके लिए क्या यूज़ में आता है, GUI, और GUI और पॉइंटिंग डिवाइसेस
ये दोनों का आप समझें कि एक साथ जो है विकास हुआ, जीयूआई आया, आपकी पॉइंटिंग डिवाइसेस आई, ठीक है। ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस का मतलब यही है कि जैसे हम किसी भी, ये हमारे आइकन्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, फोल्डर्स नेम हैं या आइकन हैं, तो उन पर डायरेक्ट हम क्लिक करके, राइट क्लिक करके या और भी कुछ फंक्शन करके हम काम ले सकते हैं। जैसे फाइल कोई भी ओपन करनी है, ठीक है, तो माउस के माध्यम से करनी है या कोई पॉइंटिंग डिवाइस के माध्यम से करनी है, तो हमारा वहाँ पे जीयूआई है, यानी कि ग्राफिक यूज़र इंटरफेस है। हमें कोई ना कोई फोल्डर, आइकन, ठीक है, नेम कुछ होगा, उस पर हम डायरेक्ट कमांड दे के ओपन कर लेते हैं फाइल, ठीक है। रीनेम करना है, राइट क्लिक करके रीनेम कर लेते हैं। क्लोज करना है, ठीक है, इससे क्लोज कर देते हैं। तो ये चीज़ क्या है हमारी, करेक्टर यूज़र इंटरफेस। वहीं अगर इसकी बात करें हम सीयूआई की, हमें कोई भी फाइल ओपन करनी है, क्लोज करनी है, रीनेम करना है, तो क्या करना होगा, उसमें हमारी पॉइंटिंग डिवाइसेस नहीं होंगी, और कैसे करना होगा, कमांड के थ्रू, ठीक है। तो सारी चीज़ें जो होंगी ये यहाँ पे कैसे होंगी, कमांड के थ्रू होंगी। किसमें, सीयूआई वाले सिस्टम में, करेक्टर यूज़र इंटरफेस में, कीबोर्ड से हमें टाइप करना होगा, कमांड टाइप करनी होगी, निर्देश देने होंगे, ठीक है। वो सब कैसे देने होंगे, करेक्टर यूज़र इंटरफेस आपका वहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ें थी, इम्पोर्टेंट है, पता होना चाहिए करेक्टर यूज़र इंटरफेस क्या है, जीयूआई आपका क्या है, ठीक है। यानी कि जीयूआई जब से आया तभी से माउस वगैरह का, इन सब का विकास हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, इनपुट डिवाइस में कौन सी आती हैं, कोई बताएंगे? नेक्स्ट कीबोर्ड हो गया, माउस, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ना होगा, एक एक टॉपिक के बारे में कि कितने टाइप्स के होते हैं, क्या कैसे यूज़ होता है, क्या उनमें यूज़ किया जाता है, तो वो सब डिटेल में चलेगा। एक बार शॉर्ट में देखते हैं क्या क्या वो डिवाइसेज हमारी हैं इनपुट की। तो आपका हो गया स्कैनर, ठीक है, कोई भी जो है पेपर, डॉक्यूमेंट, फोटो स्कैन करके हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं, तो स्कैनर के थ्रू, ठीक है, ये भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस, ठीक है। स्कैनर के बाद आपका आता है बारकोड रीडर हो गया, ठीक है। कोई भी बारकोड को रीड करके कंप्यूटर में इनपुट जाता है, ठीक है। जैसे हम कोई शॉपिंग करते हैं तो किसी भी चीज़ पे एक जो उसका कवर होता है उस पर बारकोड रहता है उसका, उस जो आइटम है उसकी पूरी डिटेल रहती है, तो उसको जैसे ही स्कैन करते हैं तो सारी डिटेल्स हमारे कंप्यूटर में आ जाती है, क्या उसका प्राइस है, किस कंपनी का है, क्या वेट है, क्या रेट है, सब कुछ उसमें आ जाता है। इसी तरीके से जो है ऑप्टिकल रीडर होता है आपका, ऑप्टिकल रीडर, ये भी बारकोड रीडर की तरीके से स्कैन करके जो है चीज़ों को रीड करता है, ठीक है। ऑप्टिकल रीडर के बाद हम बात करें, ऑप्टिकल रीडर उसके बाद नेक्स्ट जो कोई इनपुट डिवाइस है हमारी, बताएंगे आप कोई? वेब कैमरा, ये भी एक क्या है, वेब कैम क्या है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। तो ये सब इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो क्या हैं, आपकी इनपुट डिवाइसेज में आती हैं, जिनको हम डिटेल में एक के बाद एक पढ़ना होगा डिटेल के अंदर, ठीक है। और भी अगर हम बात करें तो आपका एक कार्ड रीडर जो होता है, ठीक है, वो भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। कोई भी एसडी कार्ड वगैरह जो रीड करके हम डेटा इनपुट में देते हैं कंप्यूटर के, तो वो भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। अगर बायोमेट्रिक डिवाइस की हम बात करें, बायोमेट्रिक फॉर्म में हमें कोई डेटा देना है तो बायोमेट्रिक रीडर वहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है। तो बायोमेट्रिक रीडर क्या करेगा, जो भी बायोमेट्रिक डेटा होगा उसको रीड करके कंप्यूटर में इनपुट प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। तो ये कुछ आपके इनपुट डिवाइसेज हैं, जिनके बारे में, इनके कितने टाइप्स की ये चीज़ होती हैं, ठीक है। पॉइंटिंग कीबोर्ड कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें आएंगी आपकी डिटेल में। पॉइंटिंग डिवाइस में ये सारी चीज़ें, इनके टाइप्स, स्कैनर कितने टाइप्स के होते हैं,
ठीक है, ये सब चीज़ें डिटेल में हमें पढ़ना होगा। तो सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे कीबोर्ड से। उससे पहले एक बार देखते हैं कि आउटपुट डिवाइसेस किस तरीके से होती हैं। तो आउटपुट डिवाइस की हम बात करें तो हमने बताया कि आउटपुट डिवाइस का क्या काम होता है कि कंप्यूटर ने जो भी डेटा प्रोसेस किया तो जो आउटपुट में हमें डेटा मिला उस डेटा को वो डेटा जो है यूज़र को कौन डिवाइस प्रोवाइड कराएगी, आउटपुट डिवाइस, और किस फॉर्म में जो डेटा प्रोसेस्ड डेटा होके आया प्रोसेस होके आया वो आएगा आपका डिजिटल या फिर मशीन लैंग्वेज में। तो वो डेटा डिजिटल या फिर मशीन लैंग्वेज से कन्वर्ट होगा जिस फॉर्म में यूज़र चाहता है, जो यूज़र डिवाइस जिस डिवाइस का उपयोग करके डेटा लेना चाहता है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो आउटपुट डिवाइसेस की हम बात करें तो जैसे आपका हो गया मॉनिटर, ठीक है, मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गए, ठीक है, प्रिंटर हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या हैं, ये सब चीज़ें आपकी आउटपुट डिवाइसेस में आती हैं, ठीक है। तो इनके बारे में भी डिटेल में पढ़ना होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम, जो कंप्यूटर की पहली आपकी इनपुट डिवाइस जो है कीबोर्ड के बारे में। तो कीबोर्ड से हम शुरुआत करते हैं। हमने बेसिक देखा, डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल की कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं इनपुट और आउटपुट। तो पहली इनपुट डिवाइस की हम बात करें इनपुट डिवाइस, और इनपुट डिवाइस में फर्स्ट नंबर पे आपका आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड, ओके। तो कीबोर्ड के बारे में हमने देखा कि कीबोर्ड से हम क्या कुछ भी डेटा जो है टाइप करके, ठीक है, करेक्टर्स, अल्फाबेट्स, न्यूमेरिकल नंबर्स, इन सब को टाइप करके हम एक जो है तथ्य बनाते हैं और उसको उसमें इंसर्ट करते हैं कंप्यूटर में कीबोर्ड के माध्यम से, ठीक है। तो कीबोर्ड क्या करता है, कीबोर्ड इज़ ए टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस दैट इज़ यूज टू गिव द डेटा एंड इंफॉर्मेशन टू कंप्यूटर एंड दिस इंफॉर्मेशन इज कन्वर्टेड बाय द अल्फा न्यूमेरिकल डेटा और करेक्टर फॉर्म टू द डिजिटल फॉर्म। यानी कि जो भी हमने डेटा अल्फाबेट्स में दिया, करेक्टर्स में दिया, डिजिटल नंबर्स में दिया, तो कीबोर्ड क्या करेगा, उस डेटा को कन्वर्ट करेगा किस में, आपके डिजिटल फॉर्म में। आफ्टर दैट वो डेटा आपका कहाँ पे जाएगा, सीपीयू में प्रोसेस होने के लिए, ठीक है। तो कीबोर्ड क्या करेगा कि कीबोर्ड इज ए डिवाइस, कीबोर्ड इज ए डिवाइस, कीबोर्ड एक ऐसी युक्ति है, ठीक है, एक ऐसी डिवाइस है जो किस के लिए यूज में आती है, विच इज यूज्ड टू प्रोवाइड द इनपुट डेटा टू द कंप्यूटर, ठीक है। इनपुट डिवाइस क्या करे, कीबोर्ड जो डिवाइस है वो क्या करेगी, जो है डेटा आपका इनपुट डेटा जो होगा वो उसको इनपुट डिवाइस के माध्यम से वो डेटा आपका जाएगा इसमें सीपीयू में कंप्यूटर में जाएगा, और किस फॉर्म में जाएगा वो डेटा, तो ये उसको कन्वर्ट करके देगी डिजिटल फॉर्म में, ठीक है। क्योंकि डेटा जो प्रोसेस होना है कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर सिर्फ जो है डिजिटल लैंग्वेज में डेटा को प्रोसेस करके देता है, जीरो और वन की फॉर्म में प्रोसेस करके देता है, ठीक है। तो कीबोर्ड के दो काम हो गए, डेटा लिया डिजिटल में कन्वर्ट किया और सीपीयू को दे दिया, ठीक है। अब कीबोर्ड जो होता है आपका डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितने कीवर्ड्स होते हैं वो चीज़ हम देखते हैं डिटेल में। पहले देखते हैं कि जो टाइप ऑफ कीज होती हैं, ठीक है, किस किस तरीके की कीज़ बटन्स होते हैं कीबोर्ड के अंदर वो देखते हैं। टाइप ऑफ कीज़,
ठीक है, इन कीबोर्ड, ठीक है। टाइप ऑफ कीज, इन कीबोर्ड हम देखें तो कीज कौन कौन सी होती हैं आपकी कीबोर्ड के अंदर। एक आपकी होती है अल्फा न्यूमेरिक की, अल्फा न्यूमेरिक कीज, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक जिसमें आपके अल्फाबेटिक लेटर होते हैं, अल्फाबेट ए बी सी डी टू जेड, और न्यूमेरिकल कीज होती हैं, न्यूमेरिकल कीज होती हैं जिसमें आपके अर्थमेटिकल जितने भी सिंबल्स होते हैं वो होते हैं, 0 to 9 की काउंटिंग, ठीक है, वो होती है। तो ये अल्फाबेटिक अल्फा न्यूमेरिक कीज हो गई आपकी, न्यूमेरिकल कीज हो गई, ठीक है। उसके बाद फंक्शन कीज होती हैं आपकी, कुछ फंक्शन कीज, ठीक है। फंक्शन कीज आपने देखा होगा कीबोर्ड में जो सबसे ऊपर रहती हैं, F1 टू जो F12 तक की जो कीज होती हैं, F1 F2 F3 से लेके F12 तक की कीज होती हैं, उनको बोला जाता है फंक्शन कीज। जो क्या काम में यूज़ की जाती है, कोई विशेष तरीके का अलग से कुछ काम लेना हो तो उसके लिए F1 से F12 तक की कीज आती हैं। तो ये जब हम फंक्शन कीज पढ़ेंगे तो उसके अंदर देखेंगे कि F1 से F12 तक की कीज जो हैं उनका अलग अलग जो है क्या काम है उनका, वो चीज़ देखेंगे। नेक्स्ट टाइप की कीज देखते हैं हम, कि कीबोर्ड में हमने देखा होगा कि पेज अप और पेज डाउन होता है, ठीक है। पेज डाउन और अप वाली जो कीज होती हैं, ठीक है, इनका क्या काम है, कोई पेज किसी भी डेटा पे हम काम कर रहे हैं कीबोर्ड में, सॉरी वर्ड में सपोज करो काम कर रहे हैं किसी पेज पे, तो ऊपर वाले पेज पे जाने के लिए पेज अप, नीचे वाले पेज पे जाने के लिए पेज डाउन, ठीक है। और कौन सी कीज होती हैं, एक होती है हमारी कर्सर कंट्रोल की, कर्सर कंट्रोल कीज, ठीक है। तो कर्सर कंट्रोल कीज कौन सी होती हैं, जिनसे हम कर्सर को कंट्रोल करते हैं राइट लेफ्ट अप डाउन करके, ठीक है। चार कीज इसमें जो होती हैं इस तरीके से, ठीक है, कीबोर्ड में राइट साइड में नीचे की तरफ चार ऐसी कीज होती हैं जो अप डाउन और राइट और लेफ्ट का काम करती हैं, जिनको यूज़ किया जाता है कर्सर को ऊपर नीचे दाएं बाएं करने में, या फिर गेम अगर कोई खेलते हैं तो उसके अंदर ये कीज काम में आती हैं। नेक्स्ट टाइप की कीज, जैसे एक होती है आपकी टोगल कीज, नाम सुना होगा आपने टोगल कीज, ठीक है। तो टोगल का मतलब क्या है, टोगल तरीके की जो की होती हैं क्या काम आती हैं, कि टोगल कीज को एक बार प्रेस करने से, ठीक है, जो उसका नेचर में बदल देती है, यानी कि उसका नेचर परिवर्तित हो जाता है, यानी टोगल की एक बार प्रेस करते हैं और फिर जो है उसमें जो लेटर्स हैं उनका नेचर बदल जाता है। यानी कि टोगल की हम बात करें तो एक उदाहरण मैं आपको दूं, तो कैप्स लॉक जो है वो आपकी क्या है, टोगल की में आता है। कैप्स लॉक वाला जो बटन होता है लेफ्ट साइड में, बीच में सेंटर में लेफ्ट साइड में, उसको एक बार हम ऐसे प्रेस करते हैं तो क्या होता है कि अगर प्रेस करने पे क्या होता है, फिर हम कुछ भी उसमें टाइप करते हैं कोई भी लेटर तो वो कैपिटल हो जाता है, ठीक है, कैपिटल में सारे लेटर प्रेस होते हैं, ठीक है। और अगर दोबारा हम इसको प्रेस कर देंगे तो फिर सारे लेटर जो भी हम टाइप करेंगे वो आपके स्मॉल में आ जाएंगे अल्फाबेट्स, ठीक है। तो इसलिए इसको टोगल की बोलते हैं, कि एक बार इसको प्रेस करने के बाद फिर हम जो भी टाइप करेंगे तो उनका जो है नेचर चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे आपकी कंट्रोल कीज है, ठीक है, शिफ्ट कीज है, ठीक है, इन सब के अलग अलग फंक्शंस हम पढ़ेंगे कि किसके साथ में क्या की यूज़ करने से, जैसे कंट्रोल प्लस सी करते हैं कॉपी के लिए, कंट्रोल एक्स कट के लिए, कंट्रोल जेड अंडू के लिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं उनके बारे में हमें पढ़ना होगा, कि कीज़ के कॉम्बिनेशन हमें देखने होंगे कि कंट्रोल के साथ क्या हम प्रेस करें तो क्या निकल के आता है, ठीक है, शिफ्ट के साथ में क्या हम दबाएं तो जो है शॉर्ट फॉर्म में हमारे पास क्या
फंक्शन होता है उसका। तो ये सब चीज़ें हमें डिटेल में पढ़ना है कीबोर्ड के अंदर। तो कीबोर्ड एक तरीके से अगर आप देखें तो इम्पोर्टेंट भी है एज पर एग्जाम पैटर्न, और जो है थोड़ा आपका डिटेल में पढ़ने का है, क्योंकि इसके अंदर ही आपके दो से तीन जो है मेन, जैसे क्वेरिटी कीबोर्ड है, क्वेरिटी कीबोर्ड में कितने कीज होते हैं, किस तरीके से उसकी जो है पैटर्न होता है, वर्किंग क्या है, तो वो हो गया। और भी टाइप्स के कुछ कीबोर्ड्स हैं जिनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना, आज की क्लास में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का, ठीक है, और कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं, एग्जांपल्स देखे क्या कैसे वो काम करती हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल में देखेंगे हर एक डिवाइस के बारे में, कीबोर्ड से लेके पॉइंटिंग डिवाइस, बारकोड स्कैनर, स्कैनर, ठीक है, ये इन सब चीज़ों में डिटेल में हमें देखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस से, क्वेश्चंस हमेशा पूछा जाता है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है और इजी भी है। एक बार समझ आ गया तो फिर क्वेश्चन गलत होने के चांस नहीं रहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में और कंटिन्यू करेंगे कीबोर्ड को, कीबोर्ड के टाइप्स पढ़ेंगे और जो कीज़ हैं, शॉर्टकट कीज़ हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़ हैं, उनके बारे में हम कल की क्लास में कीबोर्ड को ख़त्म करेंगे, ठीक है। टाइप्स में इसका क्वेरिटी कीबोर्ड हो गया, ठीक है, एजेरिटी कीबोर्ड हो गया, तो इन सब कीबोर्ड जो तीन कीबोर्ड हैं मेन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो दिखेंगे। ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, फिर भी हम कवर करेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए बने रहिए थ्रोन एजुकेशन के साथ, मिलते हैं कल एक बार फिर से नए टॉपिक नए अंदाज में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।